सबसे पहले मियां तारिक मिसबाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अली उसाम असगर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हारिस अतीक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अतीक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ। जी, आज़ाद ग्रुप ने आज फाउंडर्स ग्रुप को ज्वाइन किया, मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के अंदर एक भूंचाल आया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकबिल के लिए आज़ाद ग्रुप का और फाउंडर का जो साथ है वो पाकिस्तान की ट्रेड और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को के मसाइल को एड्रेस करने के लिए इंशाल्लाह मस्बत साबित होगा। पहले भी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग थी और फाउंडेशन स्ट्रांग थी फाउंडर की, अब इससे मजीद जो सा है आज़ाद ग्रुप की शमूलियत के साथ अब फाउंडर्स ग्रुप मजीद मजबूत हो गया है। जी, आज आज़ाद ग्रुप ने फाउंडर्स को ज्वाइन किया है, बहुत खुशी का दिन है, बड़ा ज़रूरी दिन है, बड़ा अहम दिन है। सबसे पहली चीज़ तो उससे ये शो होती है कि लाहौर के अंदर अभी भी जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो फाउंडर्स ग्रुप को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है। ग्रुप वैसे ही बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, हम यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और आज़ाद ग्रुप को भी इस चीज़ का आइडिया है, बड़ी देर से हम उनसे बातचीत कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। हमारे पास प्रेसिडेंट्स का इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल रहा है, तारिक मिसबाह साहब ने पिछले साल इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अब इस बार हारिस को कर दिया है कि लाहौर का नंबर वन ग्रुप जो है शुरू से ही और अब तक भी फाउंडर्स ही है। देखें जी, आज बड़ा अच्छा दिन है फाउंडर के लिए, माशाल्लाह आज़ाद ग्रुप ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। एक चीज़ जो सबसे अच्छी हमें उन्हें पसंद है, दे आर वेरी हम्बल पीपल, और हमें कारोबार में वही लोग पसंद हैं या फाउंडर ग्रुप में जो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और हुकूमत के लिए अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करें। और मैं ये समझता हूँ कि इनके ज्वाइन करने से आज माशाल्लाह फाउंडर बहुत मजबूत हुआ है। आज हम आज़ाद ग्रुप के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने लाहौर चैम्बर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और लाहौर के सबसे बड़े ट्रेड ग्रुप के अंदर, फाउंडर्स ग्रुप के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। राजा हसन अख्तर साहब जो फाउंडर चेयरमैन है आज़ाद ग्रुप के, और उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और वेलकम करते हैं, ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हमारे तमाम फॉर्मर प्रेजिडेंट्स मौजूद थे। ये जो काविश काफ़ी देर से स्टार्ट की थी तारिक मिसबाह साहब ने, अली हुसाम साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरकार फाउंडर्स ग्रुप के अंदर आज़ाद ग्रुप की शमूलियत के साथ वो उनकी जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल साबित हुई हैं। और इसके अंदर जिस दिन सब दोस्तों ने रोल प्ले किया, मैं सबका बड़ा मशहूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फाउंडर्स ग्रुप की जो पहले से बहुत मजबूत ग्रुप है, इंशाल्लाह इनके आने से बहुत ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। आज़ाद ग्रुप की अपनी एक हैसियत थी, आज वो फाउंडर्स ग्रुप में शामिल हो गए भरपूर तरीके से। तमाम इनकी मार्केटें दोस्त जो आज सारे आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने वोट्स का इजहार किया, उन्होंने सारा कुछ बताया, तो बड़ी खुशी हुई है और बड़े अच्छे लोग हैं। हम समझते हैं कि जो फाउंडर्स ग्रुप के गुलदस्ते के अंदर नए फूलों का इजाफा हुआ है, उससे खुशबू जो है पूरे लाहौर की ताजिर बरादरी महसूस भी करेगी और फैलेगी भी। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।